आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त मौजूद हूँ सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय में, जहाँ पर चल रहा पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता को लेकर उठ रहे कई सवाल, जहाँ पर पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने केवल पूछना चाहा दो सवाल, जहाँ पर एक सवाल पूछते ही भाजपा के विधायक रामलल्लू बैस हुए आग बबूला। दूसरा सवाल पूछते ही पत्रकार वार्ता को तुरंत किए समाप्त। आखिर दूसरा सवाल पूछने के पहले ही क्यों किया गया समाप्त? आइए चलते हैं। होना चाहिए कि नहीं, तो आज जनता की अदालत में तय हो गया। तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली की धरती पर खोदा जाएगा, ताकि मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिले और बाद में वो रोजगार से लग जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सिंगरौली में किया जा चुका है। डीपीआर बन रहा है, अगली बार उसके भूमि पूजन के लिए भी आएंगे। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ एक आधुनिक आईटीआई की स्थापना और की जाएगी, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सके और ट्रेंड बच्चों को हम रोजगार दिला सके। देखो भैया, रोजगार जरूरी है। भूखे भजन ना होए गोपाला धर लो अपनी कंठी माला। अब रोटी नहीं है मामा तो फिर क्या होगा? और इसलिए बच्चों के हाथ में कौशल चाहिए। हम रोजगार मेला 20 तारीख को लगा पूरे प्रदेश की धरती पर, और केवल 20 तारीख को नहीं लगेगा। इसमें हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिकतम रोजगार के अवसर अपने बच्चों को उपलब्ध करवा पाए। और इसलिए बच्चों को रोजगार, अब रोजगार में भैया केवल नौकरी नहीं, स्वरोजगार भी। उसके लिए भी नई योजना बना रहा हूं। जितने मेरे गरीब स्ट्रीट वेंडर हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, चाय बेचने वाले, समोसा कचौरी बेचने वाले, भजिया पकौड़े बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, नाई की दुकान वाले, बढ़ई कुमार सुनार, जितने छोटे छोटे कारीगर हैं, सुनो रे मेरे भैया, तुम्हारे लिए ये सरकार है। और इसे 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन उनको दिलाने का अभियान हम चला रहे, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे आए। और ये केवल नगर निगम क्षेत्र में नहीं होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा। जितने कस्बे चले थे, हर कस्बे में यह अभियान चलेगा। अरे थोड़े से पैसे मिल जाए तो गरीब की जिंदगी की गाड़ी चल जाए, और नहीं तो छोटे छोटे कारोबारियों को अपना काम धंधा चलाने के लिए किसी सूदखोर से कर्जा लेना पड़ता है, और वो ब्याज भी होता है।